वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और हम अभी आए हैं मम्मी के घर पे और आज है 31st नाइट। और मैंने सोचो मूवी में ऑफिस से वाकई ये चेंज किया कि ठंड हो रही थी और यहाँ आई हूँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सब तैयार होके आए हुए हैं। एक मैं ही हूँ जो तैयार होके नहीं आई हूँ। मैं तो वो अभी जो ये ट्रैक लिया था घर में पहनने के लिए वही पहन कर आ गई, मुझे नहीं पता था यहाँ सब पार्टी मोड में और सब इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आए हैं। और जिन्होंने नहीं पहना हुआ था उसको डिम्पी ने पहना दिया है तो और ये देखो लाइट कितनी खूबसूरत लग रही है, तो मैं दिखाती हूँ कि सब कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं और मैं ऐसे भूत बन के क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। ये डिम्पल जी की ड्रेस देखिए, आज ये आई है पूरे पार्टी वाले मोड पे और मेरे को धप्पा हो गया है। धप्पा हो गया मतलब आपको आपको तैयार होके आना चाहिए था एटलीस्ट, है ना, क्योंकि ये लास्ट है 2020। देखो गाइस, देखो ड्रेस देखो कितनी अच्छी लग रही है और मैं तो नाइट सूट ना सब तेरी तारीफ हुई अब कल के उसमें सब लोग तेरी तारीफ करेंगे बहुत सारे। मैंने आपके ब्लॉग के लिए नहीं पहना है, मैंने भाई तुम्हें ये उस लास्ट डे के हिसाब से पहना है। लेकिन आपने मुझे ये भी बोला कि अगर तू ब्लॉग बना रही होती तो अच्छे कपड़े पहन के आती है ना, ये तो बोला। हाँ तो मैंने ये तेरे लिए बोला ना कि अगर तू ब्लॉग बनाएगी तो अच्छे कपड़े पहनेगी, तो आज एक खराब से कपड़े के पहन के आई है। देखो कितने सुंदर लग रहे बहुत। हम बाहर डिस्को नहीं जा सकते, घर पे डिस्को बुला ले ओपन में, ओपन गंगन स्टाइल। पियो आओ दिखाओ कैसे लग रहे हैं पियो की ड्रेस देखो। अच्छा सुनो, पियो को मैंने फुल कपड़े पहनाए हुए थे, जैसे इसने मेरी ड्रेस देखी कह रही खुद तो अच्छे ड्रेस कपड़े पहन रहे हो, मेरे को बेकार से कपड़े पहना दिए और रोने लगी। फिर मैंने इसे कपड़े चेंज किए, कह रही खुद तो अच्छे से कपड़े पहन रहे हो, मेरे को बेकार से कपड़े पहना रहे हो। मम्मा से कॉम्पिटिशन ये देखो, पापा कैसे तैयार होके आ रखे हैं मम्मी को देखो। तैयार होके नहीं, मैंने बोला पापा अच्छे कपड़े पहन लो, ये सभी ने अच्छे कपड़े पहने सिर्फ एक मेरे को छोड़ के। पहाड़ी टोपी है उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड, ये वैसे गढ़वाली टोपी मानी जाती है ना, हिमाचली हिमाचल की भी है, सेम टू सेम है, लेकिन हमारे उत्तराखंड भी सेम टू सेम है। पहाड़ का मतलब पहाड़ है यार, उत्तराखंड तो हमने बांटा है। मम्मी बनी मम्मी कश्मीरी गली बन गई है, ये हमने बांटा है उत्तराखंड, लेकिन आप देखेंगे जो भी पहाड़ है चाहे वो सेवन सिस्टर्स हो, सेवन सिस्टर मतलब जो है असम है, मेघालय है, मणिपुर है, ये सब जितने भी हैं ये पहाड़ में आते हैं। उसके अलावा हिमाचल पहाड़ में आता है, उत्तराखंड पहाड़ में आता है, तो ये सब पहाड़ी इलाके हैं, सब एक जैसे ही रिवाज है, रीति रिवाज है, थोड़ा सा लैंग्वेज फर्क होगा पत्नी की, बाकी रिवाज सब जगह लगभग लगभग एक जैसे ही है। गाइस आप यहाँ पे बॉन फायर कर रहे हैं, यहाँ जलाएंगे रात को भी, लकड़ियाँ जलाएंगे। ये हमने निकाला है डिश, क्या था ये डिश, क्या होता था डिश नहीं, डिश टीवी होता है ना वो, उसका एंटीना है ये, अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। और यहाँ पे मम्मी ने बड़बड़ करना शुरू कर दिया अभी से, उनका ही खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। मम्मी ने प्रात रख दिया, पालक तेरा पालक उग रखा है, मेथी बनाई है ना, ये मटर में तो वो लगानी पड़ेगी तुम्हारे को डंडिया, क्या बाप मटर की बेल आती है पहाड़ में, देखा नहीं मटर की बेलों में डंडियां लगी, मटर को एक इधर एक उधर ऐसे बोते हैं, तो ये इनको पहले बिन की तरह होता है, बाद में अलग अलग बोते हैं, नहीं अलग ही बोते हैं, निकालोगे तो खराब हो जाएगी, तो रहने दो अभी, तुम्हारा क्या जा रहा है। पालक पालक खाना, पालक के पकौड़े बनाना, लहसुन का तड़का लगाना, अब पालक होगा आप पकौड़े बनेंगे, अब खाएंगे हम पालक, तुम्हारी बेटी की सब्जी बना रखी है, लो चाची और ले आइए, ये लगाओ ये जल्दी हो गई है, जला दिए मेरे पति देव ने और चाची ने आग, आग लगाने में माहिर है ये दो लोग। और अभी हम म्यूजिक में सुन रहे थे लक्ष्य पांडे का, जो उसने आज वॉइस में डाला है, बहुत अच्छा डाला है ना, अभी अच्छा डाला ना, अच्छा डाला है, बहुत अच्छा, पापा कैसे डाला है, अच्छा डाला ना, अभी हमने स्पीकर पे सुनाया था पापा मम्मी को, बेटा किसका है, हाँ क्योंकि पापा इंस्टाग्राम पे नहीं है और मम्मी को पता नहीं था इसलिए, मम्मी का फोन नहीं है अभी इसने ले रखा है, जहाँ पी ले रखा है। गाँव का ट्रिप कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, खूब एंजॉय किया, खूब मजे किए ना, खूब मजे किए, ठीक है, लेकिन हर पल औरों को मिस करते हैं, गोलू छोटू और प्रियंका सुरेश, शेखर और हिमांशु होते तो मजा आता, सबको मिस किया, हाँ लेकिन अच्छा रहा के। नहीं नहीं पर इतने ज्यादा भी मिस नहीं किया, ऐसा समझेंगे फालतू में लोगों को लेके जाना, हम लोग ही जाएंगे एज अ फैमिली, फैमिली अलग होती है, एक्सटेंडेड फैमिली अलग होती है, सही बात है ना, तो फैमिली को जाना चाहिए, एक्सटेंडेड फैमिली को भी ले जाना चाहिए,
पापा आपको कैसा लगा जो अभी डिम्पी ने मैसेज सुनाया जो छोटू ने इंस्टाग्राम पर डाला? अच्छा वो अच्छा लक्ष्य के बारे में? लक्ष्य के बारे में नहीं, लक्ष्य ने अपनी आवाज में डाला है, इंस्टाग्राम में डाला है। अच्छा अच्छा अभी मेरे को सुना था। देखिए ऐसा है कि मुझे इतना इंस्टाग्राम वगैरह तो आता नहीं है, और लेकिन मैंने जो मेरे को सुनाया आप लोगों ने, मुझे अपने बेटे पे गर्व है कि इस तरह से वो भी मेरी तरह से सीख रहा है हर चीज़ों को, क्योंकि मैंने बचपन से उसको ये चीज़ें डाली हुई हैं। और मतलब जो है कि लोगों का भला करना है सबसे बड़ी बात है, हमारा परिवार सबसे कहता हूँ, अपने परिवार को यहाँ इन्जॉय करो। आप बाहर जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, किस लिए? किस लिए? आपका परिवार ही खुश नहीं है, माँ बाप को घर में घर छोड़ के तुम क्लब में जा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, और परिवार आपके साथ में नहीं है, बहनें आपके साथ में नहीं है, भाई आपके साथ में नहीं है, फिर फायदा क्या चीज़ का? आप देखिएगा शुरू से लेकर जब बच्चा पैदा होता है तो परिवार के साथ में होता है, तो परिवार को लेके चलेगा आदमी, और उसके बाद जब डेथ होती है कोई भी बात होती है तो परिवार ही साथ में रहता है। कोई भी दुर्घटना कोई भी आपके विपत्ति आती है तब भी परिवार साथ होता है, तो परिवार को लेके चलो। संतुष्ट होना चाहिए आपको अपनी लाइफ में जो भी आपके पास है। और उसका कहना यह है कि हमको आज देखिए हम भी 31st बना रहे हैं, मेरे बेटी आई हुई है, एक बेटी नहीं आ पाई है क्योंकि उसके घर में खुद वो लोग अपने घर में इंजॉय कर रहे हैं लोग, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जो भी आए हैं मेरे पास बेटी आई हुई है, मेरी बहू अभी और बेटा मेरा किसी और पार्टी में गए हुए हैं तो ठीक है, उनका स्कूल का पार्टी है स्कूल की तरफ से, वो क्या ठीक है वो गए हुए हैं, लेकिन मैंने एक मैंने मेरे कहने मतलब ये है कि अपने घर में जो मज़ा है वही नहीं है। आप सोच लीजिए आप सोते हो घर में जब तक अपना बिस्तर नहीं मिलता है। नहीं करी उसने, बोला है कि संतुष्ट होना चाहिए इंसान के पास जो कुछ भी है, किसी की देख पर लेकिन कर... आज उसकी बातों से लगता है कि वो घर को मिस कर रहा है। हाँ, किसी को हाँ। है ना, ये बात तो है। आपको जो है उसमें आप खुश रहना चाहिए जैसा भी आपके पास है, आपको ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इसके पास इतना अच्छा है मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ। वो कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, बस एक इंसान को अपने फैमिली में जो मिला है फैमिली के साथ अपने स्ट्रगल से जो उसने हासिल किया होगा भी, मतलब जो है कि मानेसर का भी हमारा व्यूज पड़े होंगे देखा होगा, लेकिन वही आज भी हम है परिवार के साथ में चलते हैं, परिवार को लेके चलते हैं, और कैसों के दुख में साथ जो भी दुख है तकलीफ है जो भी है साथ में है, और तभी जिंदगी का मजा है। आप किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अपने परिवार के लिए कर रहे हो ना, तो परिवार को साथ में लेके चलो। आप अपना खाओगे पियोगे मौज करोगे, परिवार वहाँ घर में बैठा हुआ है, क्या फायदा उस चीज़ का? तो कहने मतलब ये है कि जो मेरे लक्ष्य ने बोला है वो बहुत सही बोला है, और वो भी मेरी तरह ही चल रहा है उस हिसाब से, और मैं उसके प्रोग्रेस से काफ़ी खुश हूँ, और अच्छे संदेश उससे आपको मिलते रहेंगे उससे, और बहुत अच्छी बात है, और जो भी मेरे से भी होगा मैं भी आपको मोटिवेशन देते रहूंगा, और मैं कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है परिवार के अंदर आपको कि आप एक वो मोटिवेशन वाला चैनल अलग से बनाओ, नहीं तो आप क्या बनाना पसंद करोगे? नहीं मुझे इतना आता नहीं है सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 67 ईयर ओल्ड हूँ, मैं अपनी जिंदगी को आराम से काटने जाता हूँ, मेरे पे कोई टेंशन नहीं है, पहला आदमी होगा जिस पर कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, एक समस्या इधर है बस, एक समस्या कोई नहीं है, समस्या लक्ष्य की शादी हो जाएगी उसके बाद समस्या नहीं है, वो अपने हिसाब से करेगा। हम तो चाहते हैं कि हो जाए, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे की शादी हो जाए, हम लोग निवृत्त हो जाए, लेकिन अभी वो इंजॉय करना चाह रहा है, सब कुछ है ठीक है, तो अच्छी बात है। बाकी संदेश देना चाह रही हूँ कि मैंने उसकी तरफ से मैं कम से कम 20 डॉगियों को आज कंबल आज और कल में मैं कंबल बांट के आई हूँ, उनको ढका के आई हूँ। छोटू ने बोला? नहीं छोटू ने नहीं बोला, ये मेरी अपनी दिली ख्वाहिश थी। रॉकी रह गया, रॉकी को मैं कल देखूंगी, लेकिन मैं आज और कल में मैंने इतना किया। पापा ये तो बड़ा मम्मी का वो है, देखा तो पता भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था, कल ही मुझे बोले थे मैं 4 कुत्तों को देख के आया, फिर उसमें क्या हुआ एक कोई बुजुर्ग आदमी आ गया कि हम आंटी जी कंबल मुझे, मेरे पास कंबल नहीं है, फिर एक कंबल इन्होंने उनको दिया, उसका कह रहा कुत्ते का कंबल के आंटी ऐसे कुत्ते का कंबल दे आंटी, मैं ढकूंगा। मैंने कहा रुक ये छोटा हो जाएगा, कह रहा नहीं मैं ढक लूंगा, मैंने कहा छोटा आ रहा रुक, उसी समय गई दुकान से उठाया उसको डबल कंबल दिया, मैंने कहा ले तू इसको ढक खुद, अब जितनी बार मैं वहां से जा रही हूँ अरे मैंने कहा बाबा हाथ मत जोड़, पर ये जेस्चर बहुत अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब मम्मी ने स्वेटर बांट रहे हैं कुछ लोगों को, वहाँ पर जो गरीब काम करते हैं दुकानों में, जो उनके मालिक है वहाँ सामने सामने रहते हैं, और मेरी वाइफ जो ब्यूटी पार्लर चलाती है उसके बाद भी उनके मतलब काम करने वाले वर्करों को स्वेटर दे के आई है, उसके बाद वो देखना हमारे मार्केट में इतने सारे दुकानें हैं किसी ने पानी का बर्तन नहीं रखा,
मैंने दो बर्तन रखे हैं पानी के, सारी मार्केट के कुत्ते पानी पीने वहीं आते हैं, कबूतर वहीं आते हैं, चिड़िया वहीं आती है, खुदक खुदक। तभी तो तुम्हारे बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये मेरा आज का नहीं है, मैं शुरू से करती हूं। तभी तो जो तुम करोगे तुम्हारे बच्चे को पास आएगा, कल को हम जो करेंगे हमारे बच्चों के पास आएगा, है ना पापा? तुम कब क्या करोगी बताओ ना पहले, वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा। बच्चे को कंबल लगा रही है, ढक दी नहीं है, क्या करूं भैया? तो कोई बात नहीं, कल को ये देखो कंबल लगाएगी, कंबल मेरे को लगाएगी, कल को मेरे को कंबल देगी, कंबल ले माँ, कंबल ले ले माँ, माँ तू थक गई होगी माँ, चल चल चल। चाची क्या कर रहे हो? खाना लाइट कहाँ से लेगी? और किचन में क्या क्या बनाया चाची दिखाओ, अरे चाची दिखाओ क्या क्या बनाया किचन में। तो जी गाइस आज बना है किचन में मटन, दिखाओ चाची, ये देखो मटन चिकन, ये लाइट यही है कि एक और चला दो, ये है मटन और चिकन, दिखाओ। अरे रुक जाओ एक मिनट, है चाची भूल गई किसने क्या बना हुआ है, ये बना है चिकन, हाँ बिल्कुल, और ये है? पनीर, पनीर खोल के देना, हाँ दिखाओ ना क्या बना है, एक मिनट। आप सारी वैरायटी बना दिया? अच्छा वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते ना, ना अच्छा ये पनीर बना है, ये पनीर मेरे हस्बैंड सैटरडे ट्यूजडे और थर्सडे नहीं खाते हैं। और क्या बना चाची? मेथी, मेथी दिखाओ जो मेरी वाली ये है, गाइस ये देखो ये वो मेथी है जो मैंने, और चावल देखो चावल, और रोटी, रोटी अभी खे, और भी है सेमिया। अच्छा विशा भी गिरा देती है बार बार बिल्ली, ये देखो ना, देखो ना इसकी रफ्तार, तो देखो ये देखो। गाइस फैमिली कॉल करी थी, इसमें सारे चाचा बुआ थे, पर एक ही बुआ हमारी फ्री है, एक ही बुआ हमारी खाली है अभी इस टाइम पे, बाकी सब नाती पोतों के उसमें लगे हुए हैं, किसी की नैपी चेंज हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, सब ये वाली बुआ वो है जिसके घर हम पिछले बार दिसंबर में गए थे ना अभी, हाँ। और आपका नए साल का रेजोल्यूशन बताओ जो आपने मुझे बताया अभी गाड़ी में आके, बताओ जल्दी है, बंद करो बाहर निकल जाएगी मतलब, पियो बंद करो, फ्रेंड्स बनाऊंगी नहीं, बदल गया गाड़ी में आप आए थे तब आपने मुझे कुछ और बोला, बदल गया इतनी देर में, ओहो अगले साल वेट कम करना है, जो कि पिछले 10 साल से रेजोल्यूशन है कॉन्स्टेंट, वो हमेशा कॉन्टिन्यू रहेगा, वो हमेशा मेन रेजोल्यूशन रहेगा। ईशा का मतलब जानती हो तुम? मैं भी नंगे डैडी हूँ, आग सीख सीख के जम हो गया, जैसी चंदा ने। घास पे डांस कर रही थी, उसको ठंड लग गई, अब तो इस पे नाच रही है। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया, अरे मुझे पूरा मजा ले, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है पीछे से गाने की, पापा कह रहे तेरे को 4 साल बाद शादी करना, नहीं करना 4 साल बाद शादी, शादी मत कर, सलमान खान की दे रहे, शादी मत कर, नहीं नहीं गलत बात है, नहीं नहीं सलमान बाबा, सलमान खान बुरा है क्या? हेलो आज वीडियो देखी थी? हाँ पापा मैंने दिखाई थी, कल रिएक्शन आएगा, अच्छा लगा तेरा वीडियो, बहुत अच्छा पसंद आया मेरे को, और मैंने भी मतलब जो है वीडियो बनवा, मेरा बेटा है ये, कल कल ब्लॉग में रिएक्शन देखना, हाँ ब्लॉग में मतलब जो है कि तेरे को पता लग जाएगा मैंने क्या बोला, हम दोनों बाप बेटे तो हैं तो एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे पट्टे, एक ही थाली के चट्टे पट्टे बोल रही है ये, हम खा रहे तो एक ही थाली में खा जाते, हाँ 15 सेकंड बचे, अभी घर पार्क में, गार्डन में, गार्डन में, गार्डन में 10 हो रहा है, 9 8 7 6 4 2 1 0 हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी न्यू, मुझे लगा हैप्पी बर्थडे बोलने लगी थी मैं, हैप्पी न्यू यार, 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 पापा हैप्पी न्यू यार, हैप्पी न्यू यार।
छोटो सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल पहले तो। हैप्पी न्यू ईयर, 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 साल आप सब लोगों के लिए शुभ हो। और हम अच्छे अच्छे व्लॉग लाए, हम अच्छे से व्लॉग्स लेकर आए कविता के लॉनी के व्लॉग्स में, तो स्टे ट्यून्ड एंड कविता के लॉनी व्लॉग्स। सभी को नया साल मुबारक हो। अभी स्टार्ट हुआ है 2023, तो 2022 तो बीत चुका है। हमने पहले वाले में एक्सपीरियंस लिया था, अब हम धमाल करेंगे। आप हमारे धमाल वीडियोस देखने वाले हैं कविता कलोनी के ब्लॉग्स में, तो बने रहिए और कहीं भी जाइएगा नहीं। फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चाची गांव में क्या होता है जैसे आज 31 को? 31 को सारी औरतें इकट्ठे होके रुपए जमा करते हैं। हाँ। या तो बाजार से कुछ मंगा लो। हाँ। या घर पे बना लो। अच्छा। फिर थोड़ा से रौनक आए, मतलब ढोलक चिमटा कीर्तन इर्तन कुछ कर लो। किसी के भी घर में? हाँ, एक धने के घर में करते हैं, सब धने वहीं चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कि पैसे जमा करके घर में खाना ना मंगाया और कीर्तन करा। हाँ, खाना खाया पिया या बना लो वहीं, फिर थोड़ा सा मतलब 12 बजे तक गाना गाना कर लो, नाचना गाना, बस फिर कर लो जाए घर में बैग बांधने रहे। चाची इस बार कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? बसंती कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। भाई ब्लॉग का हम एंड करते हैं, और हम यहाँ पे ब्लॉग का नहीं, हम यहाँ पे 2022 ईयर का भी एंड करते हैं और वेलकम पापा वेलकम करते हैं 2023 का, 2023 का वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा रहा हम लोग के लिए साल, और आप लोग के लिए भी साल अच्छा रहा होगा, और इसी उम्मीद से हम नए साल का वेलकम करते हैं जो कि है 2023। यस, 2023 सबको मुबारक हो, सब अपने परिवार के साथ सुखी रहे, अपने बच्चों के साथ सुखी रहे, जो बुजुर्ग हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूँ अपना स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और जो बच्चे हैं उनको मैं प्रार्थना, अपने माँ बाप की सेवा करें। और दूसरी बात यह है कि फिर मैं समझा रहा आपको, हेल्थ इज वेल्थ। तो जी गाइस, हम ब्लॉग करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों ने जो मुझे इतने अच्छे कमेंट करे और इतने अच्छे मतलब लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नया साल, आने वाला साल जो है वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा हो। इसी के साथ व्लॉग का करती हूँ एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। और जो मैं ड्रेस में तैयार भी नहीं आई हूँ आज, तो मैं वैसे नाइट सूट में आ गई हूँ, बाकी सभी लोग तैयार हैं। और ये आग सेक के देखो कैसे लाल लाल हो गए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, शुभ खैर, हैप्पी न्यू ईयर, जय साईं राम।